बारे में क्लैरिफाई किया था, और मैंने वो भी समझाया था कॉर्ड ब्लॉक्स के अंदर कैसे टाइप करते हैं, राइट है। तो लिटिल बिट हम रिवाइज करते हैं, रिकॉल करके नेक्स्ट पॉइंट के अंदर हम चले जाते हैं, जिसे मैंने लास्ट लेक्चर के अंदर आपको बोला था, सी लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट क्या है, व्हाट इज यूज फॉर सी लैंग्वेज। जैसे हमने आगे वाले चैप्टर के अंदर क्या लर्न किया था, फ्लो चार्ट एंड एल्गोरिदम। फ्लो चार्ट मीन्स व्हाट, जो भी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने के लिए एक मेथड है। टोटल कितनी मेथड थी, थ्री, याद है आपको, प्रोसीड्यूर कोड, फ्लो चार्ट एंड एल्गोरिदम। फ्लो चार्ट मीन्स व्हाट, जो भी डेटा है उसको पिक्चरल में रिप्रेजेंट करना, जैसे कोई सिंबल है, कोई लोगो है, इससे हम सॉल्व करने की ट्राई करते हैं, उसको क्या बोला जाता है, फ्लो चार्ट। व्हाट इज एल्गोरिदम, एल्गोरिदम मीन्स व्हाट, जो भी प्रॉब्लम सॉल्व करने की मेथड है उसमें स्टेप बाय स्टेप पॉइंट्स नोट डाउन करना है ना, उसको बोला जाता है फ्लो चार्ट, उसको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना है। ओके, ये उसका मीनिंग होगा। हम यहाँ पे स्टार्ट करने से पहले मैं आपको इन्फॉर्म करता हूँ, सी लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट क्यों होती है, प्रोग्राम बनाने के लिए। क्या बनाते हैं हम, प्रोग्राम, अदरवाइज सॉफ्टवेयर, नीड ऑफ द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट क्यों है, कि ये जितने भी मशीन के साथ काम करना हो, कौन से टाइप के मशीन है, लाइक कंप्यूटर है, फैन है, वॉशिंग मशीन है, ओवन मशीन है, वो सबके साथ काम करते करने के लिए आपको उसको ऑर्डर देना पड़ता है। तो ऑर्डर के अंदर क्या होता है, आपको पूछोगे व्हाट इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, व्हेन वी यूज द अलाउ टू राइट एन इंस्ट्रक्शन दैट हैज बी ओनली वंस मीनिंग। उसमें क्या होता है, सेट ऑफ द प्री डिफाइंड रूल्स, एक रूल्स होता है। हमको सी लैंग्वेज के अंदर 10 स्टैंडर्ड के अंदर ओनली फॉर उसके रूल्स लर्न करना है, रूल्स कैसे बनाए जाते हैं, उसके अंदर सिंटेक्स क्या है। ओके, जैसे एचटीएमएल की खुद की सिंटेक्स याद है आपको, एचटीएमएल की सिंटेक्स क्या थी, HTML start, then HTML start, head start, title start, title over, head over, body ओके, start, body over and head और over, HTML over. HTML उसका खुद का एक स्ट्रक्चर था। तो सी लैंग्वेज का खुद का एक स्ट्रक्चर भी है। आई थिंक मैंने आपको लास्ट टाइम कॉड ब्लॉक्स के अंदर या टर्बो सी के अंदर इसका प्रैक्टिकल करवाया था, जब तक मुझको याद है तब तक। ओके, उसका मैंने लेक्चर भी रिकॉर्ड किया था, हम अगेन रिकॉल हाँ, करवा देते। यस, अपने ओके करवाया था पर फिर वो कुछ हो नहीं रहा था. हाँ, नहीं वो उसके लिए आपके स्कूल के अंदर किस में करवा रहे हैं, टर्बो सी के अंदर करवा रहे हैं या कॉड ब्लॉक्स के अंदर? कोड ब्लॉक के अंदर कॉड ब्लॉक्स के अंदर। तो हमारे यहाँ पे हम इस कॉड ब्लॉक्स नहीं चल रहा है, अभी भी नहीं चल रहा है, राइट है। तो उसके अंदर मैं आपको क्लैरिफाई करूँगा, क्योंकि बट उसका प्रोग्रामिंग हम स्टडी करेंगे। अभी क्यों नहीं चल रहा है उसका इंस्ट्रक्शन भी आपको मैं देने वाला हूँ, उसके बाद हम क्लैरिफाई करेंगे। आपने डाउनलोड कर दिया है कॉड ब्लॉक्स? हाँ सर. ओके, चले। नीड ऑफ द ट्रांसलेटर, ट्रांसलेटर की क्या रिक्वायरमेंट है, जिसे इंग्लिश लैंग्वेज में से मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करना हो तो ट्रांसलेटर कंपलसरी चाहिए। जैसे मैंने आपको बोला था भाई, आई डोंट नो इंग्लिश एंड सामने वाले पर्सन को हिंदी नहीं आता, तो हम क्या करेंगे, बीच में एक ट्रांसलेटर देंगे। जैसे जर्मन पर्सन को कोई इंग्लिश नहीं आती है और मुझको जर्मनी नहीं आएगी, फिर भी हम दूसरों को कम्युनिकेशन करना है, तो बीच में से क्या रख देंगे, ट्रांसलेटर रख देंगे। ये एग्जाम्पल के थ्रू समझ में आए, मशीन को ओनली फॉर 0 एंड 1 ही लैंग्वेज समझ में आती है, राइट है। तो ये हो उसका मेन इंस्ट्रक्शन, तो उसका पॉइंट आपको रीड करके बाद में क्लैरिफाई करना है। ओके, एक बार रीड करो तो ये पॉइंट प्रॉपर। कंप्यूटर हाउ एवर डू नॉट, Computers, however, do not understand the language that we speak. Neither does it understand the programming language. It understands only 0 and 1. ओके, उसको कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में समझ में नहीं आती, उसको समझ में क्या आता है, ओनली फॉर 0 एंड 1। कंटिन्यू। The problem discussed here is similar to the problem that we face at times in our lives. Consider that there are two persons, person X and person Y, who don't know each other's language. Person X knows Gujarati while person Y knows Hindi. How would these two persons communicate? ओके, तो हमारे सबसे बड़ा डिफिकल्टी क्या है भाई, एक्स एंड वाई नाम के जो पर्सन है, एक्स को गुजराती आता है और वाई को हिंदी आती है, और दोनों को कम्युनिकेशन करना है, तो हम क्या करेंगे, रीड करिए प्लीज। द ऑप्शन ऑफ द, The option is third person Z who knows both languages.
ओके नाउ व्हेन पर्सन जेड वांट्स टू कम्युनिकेट अ मैसेज टू पर्सन वाई, ही कम्युनिकेट्स द मैसेज टू पर्सन जेड इन गुजराती फर्स्ट. ओके तो आई होप सबको समझ में आ रहा है। जेड नाम का पर्सन क्या यस बनेगा? सर. मीडिएटर बनेगा। जेड पर्सन नो वेरिएबल बोथ लैंग्वेज हिंदी एज वेल एज गुजराती, तो दोनों का प्रॉब्लम सॉल्व होगा। जो एक्स जो गुजराती में बोलेगा हो गया, वो वाई को समझा देगा हिंदी में ट्रांसलेट करके। वाई जो हिंदी में रिप्लाई देगा उसको वो गुजराती में भी रिप्लाई करके देगा। तो बीच में जो जेड पर्सन है ना वो क्या बना? ट्रांसलेटर। ट्रांसलेटर. तो सेम यहाँ पे प्रोसेस ऑफ द कन्वर्टिंग वन लैंग्वेज टू अनदर लैंग्वेज इज नॉन एज अ ट्रांसलेशन। ओके तो यहाँ पे इसकी रिक्वायरमेंट है। अभी दूसरा यहाँ पे और भी पॉइंट क्लैरिफाई करें। द प्रॉब्लम ऑफ द कंप्यूटर नॉट अंडरस्टैंडिंग अवर लैंग्वेज, वो हमारी लैंग्वेज समझ में नहीं आता, तो उसको कौन सी लैंग्वेज में समझाने के लिए एक सॉफ्टवेयर बनाया गया है, उसको बोलते हैं ट्रांसलेटर। लाइक सी, सी है ना एक लैंग्वेज है जो इंग्लिश में हम टाइप करेंगे और उसको ट्रांसलेट किस में करेंगे? मशीन लैंग्वेज में, 01 01 01 में। जैसे मैं एचटीएमएल के अंदर लिखता हूँ बॉडी बीजी कलर इक्वल टू रेड, तो कंप्यूटर को क्या मालूम रेड कलर मीन्स ऐसा कलर होना चाहिए। तो हमने क्या किया था उसके कंपाइलर के अंदर ये सब कुछ रेडी करके दिया था। सेम द प्रोसेस ऑफ द ट्रांसलेशन हैज बीन डिस्कस इन द एंड ऑफ द चैप्टर। पूरा ये सब पॉइंट क्लैरिफाई करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा काम ये यूज करवा दूँ। ये ट्रांसलेटर तो ठीक है, ये चैप्टर के एंड में ना सबसे पहले सी लैंग्वेज की एक अच्छी सी हिस्ट्री दी है, उसके बारे में हम क्लैरिफाई। सी लैंग्वेज क्यों बनानी पड़ी, उसका मेन रीजन क्या था, उसका क्या रिक्वायरमेंट था, हिस्ट्री ऑफ द सी। जैसे एचटीएमएल लैंग्वेज किसने बनाई थी? टीम बनर्ली. टिम बर्नर्स-ली। कौन से ईयर में डिजाइन किया था? देखो हो गया माइंड में से लॉस। सेम यहाँ पर भी पूरा, हाँ ये सब कुछ याद कब रखना है, जब एनुअल एग्जाम आएगी सब कुछ मिक्स लैंग्वेज ना हो जाए उसका ध्यान रखना है। कैल के लिए कौन से कमांड था? कैल, कैल के लिए स्टार कैल टीम. स्टार कैल टीम। सेम हिस्ट्री ऑफ सी, सी लैंग्वेज का सबसे पहले बॉर्न हुआ था 1972, मिस डिजाइन होके रेडी रखी थी, और कौन सी लेबोरेटरी में थी? बैल लेबोरेटरी के अंदर। ओके ये बनाया था किसने, ये क्रेडिट चली जाती है सी लैंग्वेज की, डेनिस एम रिची। डेनिस एम रिची उसके अंदर डिराइव्ड बाय बीसीपीएल। बीसीपीएल का फुल फॉर्म क्या है? बेसिक कंबाइंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. यस, बेसिक कंबाइंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अभी यहां से हमको ध्यान रखना है द एम ऑफ द डेवलपिंग सी लैंग्वेज बिल्ड द रोबोटिक सिस्टम सॉफ्टवेयर। सी लैंग्वेज का मेन पर्पस क्या था? रोबोटिक लैंग्वेज बनाना। आप लोग इसे रोबोट मीन्स व्हाट, आपको मे भी नहीं मालूम है रोबोट मीन्स व्हाट, जो सांप के सामने रोबोट जैसा दिखता है वही रोबोट बोलते हैं? नो, आपके घर पे जो फैन है ना वो भी रोबोट ही है। तो आप लोग सर कैसे, क्योंकि रोबोट का मीनिंग क्या होता है, एक बार उसको जो ऑर्डर देते हैं, ऑर्डर देने के बाद वो ऑटोमेटिकली उसका काम करता रहता है, उसको क्या बोलते हैं? हम रोबोट बोलते हैं। ओके ऑर्डर इसको वन टाइम ही देना है और कंटिन्यू उसके साथ काम रिपीट करते रहना है, उसको हमारी लैंग्वेज में रोबोट बोला जाता है। उसके अंदर सॉफ्टवेयर भी रेडी होता है, समझा दो। दूसरा एग्जाम्पल के थ्रू भी, आपके घर पे वॉशिंग मशीन है, ओवन मशीन है, आप एवरी टाइम ऑर्डर देते हो एक एक मिनट के अंदर? नो, उसका हमने टास्क दे दिया। जैसे एसी को मैं 70 पे कर देता हूँ तो एसी उसका काम करते रहेगा जब तक पूरा रूम कूलिंग नहीं होता, तब तक उसका काम करता रहता है, तो एक रोबोट है। आपके घर पे जो माइक्रोवेव ओवन मशीन है, जब तक आपका फूड हॉट नहीं हो जाता तब तक उसका काम करता रहता है। वॉशिंग मशीन है वो क्या करेगा, आपके क्लोथ प्रॉपर वॉश नहीं हो जाए तब तक उसका काम करता रहेगा, उसको बोला जाता है रोबोट्स। ऐसी लैंग्वेज है भाई, ये मशीन को कैसे मालूम, एसी को थोड़ी मालूम होता है। 70 पे कूलिंग होना चाहिए और 29 पे हीट जनरेट होनी चाहिए, ऐसा उसका कुछ मालूम होता है? नो, फिर भी हम उसको ऑर्डर देते हैं। ये नहीं, भी नहीं कभी स्कूल में गया है, नहीं उसके बारे में उसको कुछ डिटेल्स मालूम है। तो यहाँ पे
प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनाने की ये रिक्वायरमेंट थी। मशीन के साथ हमको बात करना है, हम मैं जो उसको ऑर्डर दूँ, मैं एसी को ऑर्डर दूँ, मैं 70 पे कूलिंग आना चाहिए, तो मैं 70 के ऑर्डर पे दे देता हूँ, तो मशीन क्या करेगा, एसी क्या करेगा, पूरा रूम कूल कर देता है। सेम यहाँ पर भी उसकी रिक्वायरमेंट थी। इसके बाद जैसे एचटीएमएल का ओल्ड वर्जन कौन सा था, HTML HTML, तो सी लैंग्वेज का ओल्ड वर्जन कौन सा है, BCPL। BCPL का फुल फॉर्म बेसिक बेसिक कंबाइंड कंपाइल प्रोग्रामिंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। लैंग्वेज। ओके, 1970 के बाद जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनी, पर मार्केट के अंदर उसको ऊपर लॉन्च नहीं किया। स्टैंडर्डाइज कौन से ईयर में किया था, 1989 1989 के अंदर। वो किसने बनाया था, आंसी। आंसी क्या है, एक इंस्टीट्यूट है, अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट, जैसे हमारे यहाँ पे IIT है, IIM है, वो सब स्टडी के रिगार्डिंग, जैसे साइंस के लिए कौन सी इंस्टीट्यूट बेस्ड है, IIT। जितने भी साइंस के स्टूडेंट स्टूडेंट होते हैं, उसका ड्रीम होता है ऐसे इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेने के लिए। सेम यहाँ पे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो भी पर्सन बनाते हैं, उसको पहले आंसी के पास से उसको स्टैंडर्डाइज करना पड़ता है। मीन्स ये जो लैंग्वेज में बना रहा हूँ, जो पूरे वर्ल्ड में जितने भी मशीन है, वो सब में कॉमन होने चाहिए। क्यों ऐसा, कि ये सब लैंग्वेजेस ऐसा होता है जो उसके क्लाइंट को प्रॉब्लम ना करो, बाय मिस्टेक उसे वायरस ना बन जाए, सॉफ्टवेयर के वायरस ना बन जाए। जैसे कोरोना वायरस कैसे बन गया पर्सन के लिए, वो कोई बनाया नहीं गया, बाय मिस्टेक बन गया होता है, और कई टाइम बनाया गया भी है, और उसको स्प्रेड करना उसका इतना पर्पज नहीं होता। अब देख रहो लॉकडाउन के अंदर कितना सारे प्रॉब्लम होता है, और नया वायरस भी कहा गया, देखा आपने न्यूज़पेपर में, अहमदाबाद राजकोट के सिटी के अंदर हाँ नया सर, वायरस आया। ओके, तो ये सब एक्चुअली बनाया नहीं गया था एक सिम्टम से। तो सेम ये सब सी लैंग्वेज बनाने के टाइम ध्यान रखना पड़ता है। क्या ध्यान रखना पड़ता है, ये जो लैंग्वेज बनाने के टाइम किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो, मशीन के अंदर बाय मिस्टेक वायरस ना बन जाए, और इसको कोई प्रॉब्लम ना हो, इसके लिए सब डिजाइन किया गया। इसके लिए उसका नाम क्या रखा है, आंसी सी। क्या डिजाइन किया है, आंसी। तो ये आंसी है ना, वो डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए और कंपाइलिंग सपोर्टर के लिए इंपॉर्टेंट है। इसके बाद सी लैंग्वेज कैसी लैंग्वेज है, स्ट्रक्चर लैंग्वेज है, और इसको हम फंक्शन में डिवाइड करते हैं। इट अलाउ टू आवर प्रोग्राम ब्रोकन इंटू स्मॉल पीसेस। ये फंक्शन का स्टडी किया था हमने, फंक्शन के बारे में आपने सुना है कभी, HTML, अरे नहीं वो, कैल के अंदर, कैल के अंदर इक्वल टू हाँ सम मीन, तो बी केयरफुल, कैल के फंक्शन और यहाँ का फंक्शन मिक्स ना हो जाए। यहाँ पे फंक्शन का मीनिंग क्या होता है, प्रोग्राम के स्मॉल पार्ट पीसेस कर देते हैं हम, उसको फंक्शन बोलते हैं। और उसका एडवांटेज क्या है, रीयूजेबल, फंक्शन एक ही बार बनाना है और यूज अनलिमिटेड करना है। एग्जाम्पल देता हूँ, जैसे किसी ने सम नाम का फंक्शन बनाया था, हम पूरे क्या एक्सेल में एक ही बार यूज करते हैं, नो, अनलिमिटेड टाइम यूज करते हैं। ओके, इसके अंदर क्या होता है, दूसरा एक पर्पस भी आपको क्लैरिफाई करवा दूं, इसको पोर्टेबल लैंग्वेज भी बोला जाता है। पोर्टेबल लैंग्वेज मीन्स व्हाट, इजीली मूवेबल। मैंने एक बार डिजाइन कर दिया, उसके बाद अनलिमिटेड टाइम उसका यूज कर सकते हैं। और ये सी लैंग्वेज मिडिल लैंग्वेज में से हाई लैंग्वेज तक जितने भी प्रोग्रामिंग है, वो लैंग्वेज इन फ्यूचर ये आपको कब काम आएगा, सी, सी प्लस प्लस, 12th के अंदर अभी जावा आती है, इसके अलावा पाइथन मार्केट में इसमें लॉट डिमांड है पाइथन लैंग्वेज की। ओके, तो ये सब कुछ यहाँ पे सीखने के लिए इसका बेस है। पूरे वर्ल्ड के अंदर जितने भी इंजीनियर है, ओके, जो मशीन के साथ काम करते हैं, उसको कंपलसरी सी लैंग्वेज सीखनी पड़ती है, उसका मेन रीजन ही है। ओके, फास्ट फॉर्म एक पॉइंट एक बार रीड कर लो आपके माइंड में, बाद में मैं एमसीक्यू बना के आपको पूछता हूँ उसमें से, मोस्ट इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है तीनों तीन। रेडी, यस सर। ओके, चले आपको पूछो गया,
सी लैंग्वेज, राइट? कौन से ईयर में डिजाइन की गई, 1972, स्टैंडर्डलाइज कौन से ईयर में किया गया, विच 1989, स्टैंडर्डलाइज फॉर सी लैंग्वेज, एंड क्या सर? विच स्टैंडर्डलाइज द सी लैंग्वेज, हाँ ठीक, ANSI, ANSI का फुल फॉर्म अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड्स स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट। इंस्टीट्यूट। ओके, सी लैंग्वेज कौन सी लेबोरेटरी में बनाई गई? बेल बेल लेबोरेटरी, ओके, हु इज डिजाइन फॉर सी लैंग्वेज? डेनिस डेनिस रिची। एमरीची। ओके, उसका ओल्ड वर्जन कौन सा था, किसमें से सी लैंग्वेज डिराइव की गई? BCPL, बेसिक लैंग्वेज, कंबाइंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। वेरी गुड। ओके, सी लैंग्वेज पोर्टेबल लैंग्वेज है या मूवेबल लैंग्वेज है? दोनों दोनों, पोर्टेबल एज वेल एज मूवेबल। ओके, सी लैंग्वेज स्ट्रक्चर लैंग्वेज है? यस सर। यस। ओके, तो व्हाट इज योर फंक्शन, प्रोग्राम टू बी ब्रोकन इनटू स्मॉल पीसेस, उसको क्या बोला जाता है? फंक्शन फंक्शन का एट्रीब्यूट क्या है, वो रीयूजेबल है या रीयूजेबल नहीं है? रीयूजेबल, रीयूजेबल है। तो आई होप सो आपको ये सब पॉइंट्स के बारे में इंफॉर्मेशन मिल गई है। अभी हम वापस आगे वाले पॉइंट के अंदर चले जाते हैं और क्लैरिफाई करते हैं। ओके, प्रोग्राम एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द प्रोग्राम, अभी देखना है यहाँ पे कैसे क्लैरिफाई किया जाता है। अभी तक हमने सी लैंग्वेज के कंपाइलर के बारे में लर्न किया, सी की हिस्ट्री के बारे में क्लैरिफाई किया, तो प्रोग्राम क्या है और उसका कैरेक्टरिस्टिक क्या होना चाहिए, उसके रूल्स क्या होना चाहिए। जितने भी प्रोग्राम है एक सेट है, सेट ऑफ द प्रेसिस एंड क्लियर द इंस्ट्रक्शन टू द कंप्यूटर, और वो पहले से क्या होता है, फ्री डिफाइन होता है। प्री डिफाइन मीन्स जैसे व्हाट्सएप है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, नोटपैड है, वो सब क्या है, प्रोग्राम है, राइट? जिसे आप, मैं आपको ये सॉफ्टवेयर के थ्रू समझा रहा हूँ। देखो, तो इसमें मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो रीड लाइन ऐसे आई, ये क्लिक किया तो ऐसा आया, ये क्लिक कर रहा हूँ तो ऐसा आता है। आप लोग इसे तीनों में सेम क्या है, जब मैं इरेजर यूज करता हूँ ना तो ये इरेज होता है, ये इरेज नहीं होता है, समझ में आ रहा है? दोनों में ये डिफरेंट है, उसकी इंक का भी डिफरेंट है। यहाँ पे एरो है, ये मूवमेंट है पेज अप डाउन करने के लिए, समझ में आ रहा है? तो ये हो उसका मेन यूज, उसके बाद ही ये सब पॉइंट क्लैरिफाई किया जाएगा। तो ये सब रूल्स के हिसाब से आपको क्लैरिफाई किया जाता है, उसको बोलते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। क्या बोला जाता है, स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन यूजिंग चूज द लैंग्वेजेस नॉन एज अ प्रोग्रामिंग। प्रोग्रामिंग मीन्स व्हाट, जो पर्सन के थ्रू ये ऑर्डर दिया जाता है, जो प्रोग्राम लिख रहा है, ये प्रोसेसिंग को क्या बोला जाता है, प्रोग्रामिंग। प्रोग्राम मीन्स व्हाट, सेट ऑफ द इंस्ट्रक्शन। तो स्मॉल स्मॉल डेफिनेशन है उसके, वो सब डेफिनेशन आपके माइंड में सेट करनी है। तो प्रोग्राम के रूल्स क्या है, तो गुड प्रोग्रामर क्या होना चाहिए, मस्ट बी एंड, उसका एंड होना कंपलसरी। ओके, इसके बाद उसके इंस्ट्रक्शन ऑफ द प्रोग्राम मस्ट बी हैव डिफाइंड, ऑल द इंस्ट्रक्शन मस्ट बी हैव इफेक्टिव, ये उसके रूल्स हैं। अब जब हम प्रैक्टिकल करेंगे तभी इसको समझ में आ जाएगा, इसके बाद हम क्लैरिफाई करते हैं। मैंने आपको एक प्रोग्राम लिखने के लिए भी दिया था, अ प्रोग्राम मे बी टेकन 0 और मोर इनपुट, और प्रोग्राम में भी प्री प्रोड्यूस 1 और मोर आउटपुट। तो इनपुट एंड आउटपुट के बारे में भी क्लैरिफाई करना है। ओके, तो एक प्रोग्राम हमने, ये एक छोटा सा प्रोग्राम था, याद है आपको? ओके, तो ये प्रोग्राम के अंदर हम थोड़ा सा कंसीडर किया था, ये हमने साइंटेक के अंदर टाइप करना है। एक्चुअली आपके स्कूल के अंदर कौन सा सॉफ्टवेयर करवा रहे हैं, कॉड ब्लॉक्स? ओके, तो हम वापस कॉड ब्लॉक्स एक बार ट्राई करते हैं, कैसे इंस्टॉल करके कैसे टाइपिंग करते हैं। जैसे मेरे में ऑलरेडी कॉड ब्लॉक्स डाउनलोड करके रेडी रखा हुआ है, हम इसको डिलीट कर देते हैं एक बार और वापस हम ट्राई करते हैं उसको री एंटर करने की। ओके,
यहाँ से सॉफ्टवेयर ऑलरेडी मैंने डाउनलोड करके रेडी रखा हुआ है, तो वापस ट्राई करते हैं। जैसे आपके पास ऐसे कॉड ब्लॉक्स का सॉफ्टवेयर मिल जाता है नेट पे से, अदरवाइज यहाँ से डाउनलोड किया हुआ दिख रहा हूँ, ये सॉफ्टवेयर है। ओनली फॉर इसकी exe को रन करना है। जैसे मैं exe को रन करता हूँ तो विद इन अ फ्यू सेकेंड के अंदर ये सॉफ्टवेयर स्टार्ट होता है। तो ट्राई करके देख लेते हैं आज का, ये नया मैंने डाउनलोड करके रेडी रखा है, चल जाए मेरे लैपटॉप के अंदर तो वेल एंड गुड। क्योंकि इसके साथ साथ gcc चाहिए, और gcc का मोस्टली यहाँ पे एरर आता है। ठीक है, कॉड ब्लॉक स्टार्ट है। सबसे पहले क्या परफॉर्म करेगा गेम कॉड ब्लॉक्स के अंदर, कहाँ पे जाएंगे बोलो? फाइल, न्यू एंड एम्प्टी फाइल। एम्प्टी फाइल के अंदर हम सिंपल से पहले सब क्या लिखेंगे, कमेंट। कमेंट के अंदर कुछ भी लिख सकते, कमेंट का सिंबल याद रखना, सिंपल सी। कमेंट के अंदर कुछ भी लिख सकते हो, उसका कलर कोड इंडिकेटर ही है। ये सेव किया, फाइल को सेव कर दोगे ना तो और इसका कलर चेंज हो जाएगा। जैसे मैं यहाँ पे सी लैंग्वेज का प्रोग्राम, यहाँ पे डॉट सी, उसका नेम में चेंज करता हूँ, सिंपल डॉट सी, सेव कर दिया। देखो उसका कलर चेंज हो गया। यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा बोलो, अब हेल्प करना, क्या लिखना पड़ेगा यहाँ पे? ये प्रोग्राम हम फर्स्ट टाइम नहीं कर रहे हैं। एज इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच, स्टूडियो डॉट एच। इसके बाद हैज इंक्लूड ऑन एच, क्या सर स्टूडियो का ऐसा ही स्पेलिंग आता है? आता है? एसटीडी, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल, और कॉन्यो का कंसोल। तो स्टैंडर्ड का क्या आएगा, कुछ गड़बड़ी है? देखो तो कुछ नहीं सर, क्या गड़बड़ी है कि राइट है? तो कंपाइल होगा तो इसमें समझ में आ जाएगा। ठीक है, clr scr या void की जगह पे मैं इंटीजर लिख दूं, और यहाँ पे मैं प्रिंट एफ, और मैं यहाँ पे लिखता हूँ लिफर हल्लो। यहाँ पे क्या लिख दूं, रिटर्न जीरो। हटा इतना बिल्ड करने, बिल्ड की शॉर्टकट की क्या है, बिल्ड की शॉर्टकट की F9। F9 करते हो। ओके, एरर है, देखो यहाँ पे अभी रन चल रहा है। यस, एरर है, इसमें एरर है, टू एरर अवेलेबल है। ओके, वार्निंग है। बिल्ड के बाद क्या करते हैं, रन। क्या एरर है इसके अंदर? सेम तो मैं आपको जीसीसी का बोल रहा हूँ ना, वही प्रॉब्लम है, बिल नहीं हो रहा है। देखें, बिल में ही प्रॉब्लम है। तो सेम प्रॉब्लम पुराना वाला जो प्रोग्राम था उसके अंदर ही, तो ये सॉफ्टवेयर के अंदर आपको रहेगा अभी, जब तक ये कंप्लीट नहीं होता तब तक। अब मैं, आप लैपटॉप में ज्वाइंट होगी टैबलेट के अंदर? टैबलेट के अंदर ओके, चलिए तो उसके अंदर भी अब मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा, अच्छे से आपको क्लैरिफिकेशन मिल जाएगा।
सेम आ रहा प्रोग्राम तो राइट ही है स्टूडियो का एच में, हमने लास्ट टाइम ये प्रोग्राम किया था याद है आपको, सीएलआर एसआर रिटर्न जीरो वाला, मीन्स कॉल ब्लॉक्स है वो मेरे लैपटॉप को सपोर्ट नहीं हो रहा है। ओके तो सेम यही है, क्योंकि ये तो मैंने exe फाइल वापस यूज़ किया हुआ, अगेन एक बार वापस ट्राई करते हैं इनकेस लग बाय चांस मेरे लैपटॉप के अंदर से हो जाए तो वेल एंड गुड। एक्चुअली चल ही रहा था पर कुछ एरर की वजह से वापस बंद हो गया। ये सॉफ्टवेयर के अंदर थोड़ा डिफिकल्टी रहती है, इसी में चल जाए तो चल जाएगा, नहीं चलेगा तो कितना भी आप ट्राई करोगे तो भी नहीं चलेगा। आप में सब में एग्जिट को जीरो आ जाता है, आउटपुट आ जाता है, प्रैक्टिस किया आपने, ट्राई नहीं सर, किया? नहीं तो आता है। डोंट वरी, ये सॉफ्टवेयर आप में मैं आपको डाल दूंगा तो 110% हो जाएगी। मेरे लैपटॉप में वो चल ही रहा था इसलिए मैं वापस यूज कर रहा था, पर मैं दूसरा आपको सॉल्यूशन भी कर दूंगा। देखो ये है ना सी लॉन्चर, कंटिन्यू करते हैं, इसकी वजह से ही कोई एरर आ रही है इसमें, है ना? जीसीसी चल जाए ना तो काम का और सेम प्रोग्राम टर्बो सी में भी चला सकते हो, ओनली फॉर डिफरेंट कितना है मैंने आपको लास्ट टाइम जैसे क्लेरिफाई किया था उसका लुक। कोड ब्लॉक तो सर बहुतों का नहीं चल रहा था हमारे स्कूल में भी। सर ने ना हमें एक लिंक भेजी थी जिसे हम डाउनलोड कर सकते हैं, पर चलता नहीं।
ओके वॉइस आ रहा है मेरा अभी? हेलो वॉइस आ रहा है डैनी? यस सर। डैनी वॉइस आ रहा है आपको? यस सर। आपका वॉइस नहीं आ रहा है यहाँ पर। ओके चलिए हम यहाँ पे क्लैरिफाई करते हैं, वॉइस आ रहा है यानी कि नहीं आ रहा है? आई एम आ रहा ऑडिबल? है सर। आपका वॉइस नहीं आ रहा, आप कट यस सर। करके वापस ज्वाइंट हो जाओ। अभी चैट के अंदर इन्फॉर्म करो तो रहने। अभी आ रहा है अभी वॉइस? अभी आ रहा है वॉइस? यस सर। आपका वॉइस नहीं आ रहा है। चैट के अंदर इन्फॉर्म करो तो यस या नो, एटलीस्ट मुझको इन्फॉर्म। हाँ सर। ओके ओके रानी। इसके बाद तो अभी हम प्रोग्राम यहाँ पे परफॉर्म नहीं करते, सबसे पहले हम यहाँ पे क्लैरिफिकेशन कर लेते हैं। सबसे फर्स्ट कोई भी मैसेज डिस्प्ले करना हो तो पिन टैप है, उसके पीछे सेमी कोलन भूलना नहीं है, और रिटर्न जीरो। रिटर्न जीरो क्यों लिखते हैं? यहाँ पे इंटीजर लिखा है इसके लिए, इंटीजर मेल लिखा है इसके लिए। सेम यहाँ पे एक दूसरा प्रोग्राम भी मैंने आपको, ये प्रोग्राम के बारे में थोड़ा सा क्लैरिफाई कर लेते हैं। सर आप हैज स्क्रीन इक्वल प्रेजेंट टू कर रहे हैश, हो। वाइड मेन से पहले इंटीजर मेन से पहले यहाँ पे हैज डिफाइन लिखा है। डिफाइन का मीनिंग क्या होता है? पाई की वैल्यू चेंज कर सकते हम? नो। पाई की वैल्यू क्या होती है? 3.14। सेम यहाँ पर भी उसके जैसे ही है, पाई की वैल्यू हम एडवांस में यहाँ पे इन्फॉर्म कर सकते हैं। उसके बाद ब्रेकेट स्टार ब्रेकेट ओवर, प्लॉट एक डेटा टाइप है, प्लॉट के अंदर दो वेरिएबल है, यस एंड सरकमफेरेंस। यहाँ पे प्रिंटफ और स्कैनर का दोनों सर पर्पज क्या? प्रिंटफ क्या करेगा? मैसेज डिस्प्ले करता है, और स्कैनफ है ना वो क्या करेगा? वैल्यू इनपुट करेगा, मीन्स आप जब तक एंट्री नहीं करोगे तब तक वो आपकी वेट करेगा। इसके बाद सरकमफेरेंसिंग का मेन पर्पज क्या होता है? टू मल्टीप्लाई पाई मल्टीप्लाई रेडियस, दैट्स मीन्स ओके। यहाँ पे तो भी आपका फॉर्मूला है, फॉर्मूला यहाँ पे टाइप करना है और बाद में मैसेज डिस्प्ले करना है। प्रिंट एफ सरकमफेरेंसिंग, यहाँ पे देखो परसेंटेज एफ लिखा है, उसका मेन पर्पस क्या था? जहाँ आपने ये फ्लॉट लिखा है यहाँ पे सरकमफेरेंस लिखा है, तो दोनों का यहाँ पे यूज है, और ये दो ऑफिस के लिए, एक रेडियस के लिए और एक सरकमफेरेंस के लिए। और इंटीजर मेन लिखा है इसके लिए, यहाँ पे इंटीजर है इसलिए यहाँ पे रिटर्न जीरो लिखा है। और इसको प्रोग्राम समझ लो, नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर ये सब का प्रैक्टिकल हम एक साथ कर लेंगे। तब तक मेरे लैपटॉप के अंदर या कहीं भी मैं कुछ अरेंजमेंट कर दूंगा, जैसे आपको आउट बॉक्स के अंदर सब प्रैक्टिकल स्टार्ट हो जाए एज सून पॉसिबल। बस जस्ट आप मुझको रिमाइंडर कर देना, मैसेज कर देना। नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पे सर। ये मेन स्ट्रक्चर था, जैसे ऑप्शनल सेशन। ऑप्शनल सेशन के अंदर टोटल 4 पॉइंट्स है। सबसे फर्स्ट डॉक्यूमेंटेशन, सिंबॉलिंग, फाइल इंक्लूड,
यानी ग्लोबल वेरिएबल डिक्लेरेशन, उन्होंने कितने हैं, फोर्थ है। डॉक्टर मिशन के अंदर क्या होता है, कॉमेंट आता है। सिंबॉलिक कॉन्स्टेंट के अंदर क्या आएगा, हैज डिफाइंड। आई इंक्लूड के अंदर क्या आएगा, हमने अभी ऑलरेडी यूज किया हैज टू डी डॉट एच, वो सब यहाँ पे आएगा। वॉइड मेन जहाँ लिखते हैं यहाँ पे स्टार ब्रैकेट ओवर डिक्लेरेशन। अभी देखो फंक्शन यहाँ पे लिखते हैं पर ये यूजर डिफाइंड फंक्शन है तो लास्ट में लिखा जाता है। तो कंपल्सरी सेशन कितने ये है, यहाँ मेन लिखते हैं ब्रैकेट स्टार ब्रैकेट ओवर करते हैं। तो यही पूरा पोर्शन आपके माइंड में सेट होना चाहिए, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया सर, स्क्रीन ही नहीं दिख रहा है। ये भी एक बार आपको नोटबुक में नोट डाउन कर लीजिएगा, ओके, जिससे आपको परफेक्ट मेमोरी समझ में आ जाएगा। रही है तो बैठेंगे। अरे इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीन विजिबल हो रही है, आपका वॉइस नहीं आ रहा है। व्हाट्सएप के थ्रू भी मुझको आप मैसेज कर सकते हो। आई एम ऑडिबल और नॉट, हेलो, नेक्स्ट ये इसका स्क्रीनशॉट ले लो एक बार। इसमें ऑप्शनल सेशन जो फोर है, कंपल्सरी सेशन यहाँ से लेके यहाँ तक है, एंड यूजर डिफाइन, तो ये यूजर डिफाइन सेशन है, ओके। तो ये हो उसका मेन डिजाइन। इसके बाद यहाँ पे क्लैरिफाई द डॉक्यूमेंटेशन सेशन। डॉक्यूमेंटेशन के अंदर क्या होता है, ओके, डॉक्यूमेंट सेशन के अंदर मेन इम्पोर्टेंट है कॉमेंट। जितने भी ये ऑप्शनल सेशन के अंदर आता है, आपको इनकेस एग्जाम में पूछा गया तो ऑप्शनल सेशन में कितने पार्टीशन है, तो आपका आंसर आना चाहिए फोर। फर्स्ट ऑफ ऑल डॉक्यूमेंटेशन हैज सिंबॉलिक कॉन्स्टेंट, इंक्लूड जहाँ हैज इंक्लूड लिखते हैं वो सेशन, एंड ग्लोबल वेरिएबल। ग्लोबल वेरिएबल मीन्स वॉट, जो मेन से पहले डिक्लेयर किया जाता है, तो हम नेक्स्ट पॉइंट के अंदर हम क्लैरिफाई करने गए। तो सबसे पहले सेशन ये लर्न करते हैं, डॉक्यूमेंटेशन, ठीक है। डॉक्यूमेंटेशन के अंदर सबसे फर्स्ट है, इट इज अ ऑप्शनल सेशन। उसमें हम क्या लिखते हैं, कमेंट। कमेंट का सिंबल ये है, देखो एस्टिमेट में भी कमेंट का सिंबल था, याद है आपको, उसमें कैसा था, एस्टिमेट मार्क्स माइनस माइनस, लास्ट में माइनस माइनस और ये सिंबल,
सकते हैं, ये दोनों सिंबल के अवेलेबिलिटी है। तो अनक्लोज बिटवीन ये ब्रैकेट एंड ये ब्रैकेट को और करना है। तो यहाँ पे इस सिंबल के बारे में हमने स्टडी किया था। इसके अलावा यहाँ पर भी ध्यान रखना है, इसके अंदर हम क्या क्या लिख सकते हैं, प्रोग्राम पर्पज ऑफ द प्रोग्राम, डेफिनेशन बोल सकते हैं, ऑथर, डेट ऑफ द क्रिएटिंग। जब भी हम कोई प्रोग्राम बनाते हैं तो कमेंट के अंदर लिख सकते हैं, ये कोई भी सेशन में लिख सकते हैं, कमेंट के अंदर कोई ऐसा नहीं, ऐसा हमने एचटीएमएल में भी लर्न किया है। एचटीएमएल के अंदर कमेंट कौन से सेशन में लिखते हैं, बॉडी या हेड, बोलो, बॉडी या हेड, हेड, हेड के अंदर इन्फॉर्म करो तो ये दोनों सेशन में लिख सकते हैं। नो बॉडी दोनों में लिख सकते हैं, एस्टेब्लिश गवर्नमेंट हेड एज वेल एज बॉडी दोनों सेशन में हम लिख सकते हैं। तो सेम यहाँ पर भी इसकी ही ऐसी रिक्वायरमेंट है। जैसे सी लैंग्वेज के कमेंट का सिंबल डिफरेंट है, कॉन्सेप्ट देखो इसमें दो टाइप की कमेंट है, इसको सिंगल लाइन की कमेंट बोला जाता है, ये है डॉक्यूमेंट सिस्टम। ये दोनों सिंबल यहाँ पे अवेलेबल है, लिखना कंपलसरी नहीं है, ये गुड प्रैक्टिस है, ओके, ये गुड प्रैक्टिस है। इसके बाद सिंबॉलिक कांस्टेंट, सिंबॉलिक कांस्टेंट मींस व्हाट, जहाँ हैज डिफाइंड लिखते हैं, क्या लिखते हैं, हैज डिफाइंड, हम इसमें ऐसे लिखा जा रहा है, हैज डिफाइंड, Has defined pre-process directive. इसके अंदर कैसे लिखा जाता है, देखो है, हां ये तो मैंने समझ से, एंड मैं हम से जाना अच्छा होता तो मैं अपन चाहूं तो मैं अपन चाहूं तो चाहूं। Has defined कर भी दूं इंग्लिश में, Has defined हां तो मान लो मैं पांच हूं, Has defined काफी has defined pi. pi 3.40. तो कहने का मेन पर्पस has defined करके जितने भी सिंबल की प्रायोरिटी थी वो यहाँ से हमने क्लैरिफाई कर ली। उसके साथ साथ यहाँ पे मैं और भी समझाना चाहता हूँ, जैसे has file include session के अंदर क्या आएगा, अभी इसके को file include, ये हमारा थर्ड सेशन है, अभी तक हमने क्या किया, डॉक्यूमेंटेशन, तो कमेंट, सिंबॉलिक कांस्टेंट एज डिफाइंड, जो मैंने लास्ट टाइम आपको प्रोग्राम नोट डाउन करने के लिए बोला था। फाइल इंक्लूड सेशन के अंदर क्या आता है, हेडर फाइल, जितने भी हेडर फाइल है, समझाता हूँ, जैसे आपको लाइब्रेरी फंक्शन भी बोल जाता है, उसको इनबिल्ट लाइब्रेरी फंक्शन बोला जाता है, उसमें पावर, स्क्वायर रूट, ये सब फाइंड आउट करना हो तो फाइंड आउट कर सकते हो। कैसे डॉट सी एडेड एक्सटेंशन ऑफ द एडेड एक्सटेंशन, ये डॉट सी है देखो, और इसके अंदर हैज इंक्लूडेड, आपको एग्जाम में अंदर पूछा गया एडेड फाइल का एक्सटेंशन क्या होगा, डॉट सी, सी लैंग्वेज का एक्सटेंशन क्या है, डॉट सी, और डॉट हेडर का डॉट एच, सॉरी, क्लियर है ये दोनों सिंबल, ओके। ये अपेंडिक्स जो लास्ट में है ना, इतनी सारी हेडर फाइल है, समझा दो हेडर फाइल कहाँ पे आपको मिलेगी, अपेंडिक्स 4 के अंदर देखो, देख रहे हैं ये हेडर फाइल है, कितनी हेडर फाइल है, इतनी सारी हेडर फाइल है। अभी आपको समझ में आ रहा है, देखो टोटल स्टूडियो रैज का फुल फॉर्म स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल, सी टाइप का हेडर फाइल, कैरेक्टर टेस्टिंग कन्वर्जेशन फंक्शन, मैथ डॉट एच मैथमेटिकल फंक्शन, स्टर्ड लैब डॉट एच डिफरेंट टाइप ऑफ द फंक्शन यूजिंग द स्ट्रिंग कन्वर्जेशन मेमोरी एलोकेटिंग एंड रैंडम नंबर जनरेशन, string dot h string manipulate the function, okay, तो ये हो उसका main, उसका main use है।
तो इसका मेन यूज हुआ। अभी देखो यहाँ पे आपको ये सब सिंबल जैसे आप बोलो ये सब परसेंटेज एफ का मीनिंग क्या होता है, फ्लॉट होता है। तो कैरेक्टर का सी, डबल का डी, एफ का फ्लॉट भी होता है और फाइल भी होता है। इंटीजर का आई, लॉन्ग का एल, पॉइंटर और एस्ट्रिक्शन है वो पॉइंटर है। आपके सिलेबस में इन फ्यूचर आप सी लैंग्वेज ज़्यादा हाई लेवल तक स्टडी करोगे तब ये सब आएगा। स्ट्रिंग के लिए एस एन, अनसाइन के लिए अनसाइन। अभी आप लोग सर ये सब देखो मैं आपको समझा दूँ सिंपल। आपने स्टूडियो डॉट एच लिखा तो कितना कितना यूज़ कर सकते हो, गेट सी, गेट कैर, ये सब इसके साथ है। देखो हमने प्रिंटफ यूज़ करना हो तो स्टूडियो डॉट एच आपको लिखना ही पड़ेगा। आपको स्कैनएफ यूज़ करना है आपको स्टूडियो डॉट एच लिखना होगा, क्यों कि इसके साथ ज्वाइंट है। इस एग्जांपल मुझको कैल के अंदर फॉर्मूला टाइप करना है इक्वल टू सम, तो कौन सा सॉफ्टवेयर ओपन करना पड़ेगा, इक्वल टू कैल नाम का। तो सेम इसी लैंग्वेज के अंदर ये सब आपको फॉर्मूला यूज करना हो तो आपको क्या यूज करना पड़ेगा, इसका ये स्ट्रक्चर यूज करना पड़ेगा। आरोप सबको समझ में आ रहा है ये सब पॉइंट्स में क्लियर इतना, तो ये हो उसका मेन यूज। हम नेक्स्ट पॉइंट के अंदर वापस नए नए पॉइंट्स भी कंटिन्यू करेंगे। देखो नेक्स्ट ओके, उसी लैंग्वेज के अंदर हमने यहाँ तक भी क्लैरिफाई किया है। तो अभी दिख रहा है देखो यहाँ एज डिफाइंड इंटीजर मेन से प्ले किया है यहाँ पे, तो ये हेडर, ये कमेंट है ना, अभी ग्लोबली वेरिएबल बाकी है, ये आपका मेन फंक्शन है, ये पूरा इसके एक प्रोग्राम है। मैं आपको यहाँ पे क्लैरिफाई करेंगे, देखिए ग्लोबल वेरिएबल अभी हम अभी नहीं समझेंगे, मैं आपको क्लैरिफाई होगा नेक्स्ट पॉइंट के अंदर, वाइड बैंड के अंदर डिक्लेरेशन। ओके यहाँ पे हम क्लैरिफाई करते हैं ग्लोबल वेरिएबल। ग्लोबल वेरिएबल मीन्स व्हाट, अभी समझा दो बेस्ट एग्जांपल। आपके क्लास के अंदर मॉनिटर होते हैं, स्कूल के अंदर मॉनिटर, और एक होता है हेड, तो आपका हेड है पूरे स्कूल में कहीं भी घूम सकता है, तो ग्लोबल है। आपका क्लास मॉनिटर क्लास के अंदर ही घूम सकता है। तो यहाँ पे जैसे एग्जांपल ये ब्रैकेट के अंदर जो मैं लिखता हूँ, तो ये ब्रैकेट के अंदर जो लिखते हैं उसको बोलते हैं लोकल वेरिएबल, ये ब्रैकेट के बाहर जो है उसको बोला जाता है ग्लोबल वेरिएबल। अभी के लिए इतना ही समझ लो, ग्लोबल वेरिएबल मीन्स व्हाट, ब्रैकेट के बाहर मीन्स वाइड मेन के ऊपर जो लिखा जाता है उसको बोला जाता है ग्लोबल वेरिएबल, ब्रैकेट के अंदर यहाँ से लेके यहाँ तक उसको बोला जाता है लोकल, और लोकल का दूसरा नाम है स्कोप, को रेंज भी बोला जाता है। राइट, वेरिएबल डिफाइन विद इन द कर्ली ब्रांचेस एंड को फुल लोकल वेरिएबल। तो कर्ली ब्रैकेट के इनसाइड है उसको बोला जाता है लोकल। देखो अभी मैं ओनली फॉर आपको थियरी समझा रहा हूँ, उसका प्रैक्टिकल करेंगे तब एग्जैक्टली समझ में आएगा। तब मैं आपको बोलूँ ग्लोबल वेरिएबल, हेडर फाइल, ओके, प्री डिफाइंड कंस्ट्रक्टर, प्री डिफाइंड वर्ड, हैज डिफाइंड, स्टूडियो डॉट एच, हेडर फाइल के एक्सटेंशन, तो आपको एटलीस्ट क्लियर होना चाहिए। मेन फंक्शन वाइड मेन क्यों लिखते हैं, वहाँ से दिस फंक्शन इज फ्रॉम वेयर टू एग्जीक्यूट ऑफ द एनी सी प्रोग्राम स्टार्ट, यहाँ से आपका सी प्रोग्राम स्टार्ट हो रहा है। तो इसका मेन यूज यहाँ से स्टार्ट होगा। अभी यूजर डिफाइंड फंक्शन, यूजर डिफाइंड मीन्स व्हाट, खुद यूजर, कि ये प्रोग्राम आपको यहाँ से क्लैरिफाई करना है। देखो यहाँ पे लिखना है सी प्रोवाइड इज ब्रोकन इनटू सिंगल प्रोग्राम इनटू स्मॉल पीसीस, ये स्मॉल पीसीस को अभी डेफिनेशन हमने नहीं दी, इसको क्या बोला जाता है फंक्शन। आज का प्रोग्राम के अंदर ये आपको पूरा एक छोटा सा प्रोग्राम है, ये आपको नोट डाउन करना है, वन टाइम लिख के मुझको व्हाट्सएप सेंड करना है, ये आपका होमवर्क है। ये क्या है कैसा है वो अभी आपको मालूम नहीं पड़ेगा, ओके। मैं बाद में नेक्स्ट पूरा 1 आवर 30 मिनट्स के अंदर ओनली फॉर प्रैक्टिकल, नो थियरी, ये प्रोग्राम आपको वन टाइम लिख के
उसको व्हाट्सएप में सेंड कर देना है। ठीक है, नंबर 10.5 कॉड ब्लॉक्स, प्रोग्राम समझा देता हूँ उसके अंदर क्या है। देखिए ये है कमेंट डॉक्यूमेंटरी सेक्शन, ये है हेडर फाइल studio.h, हम यहाँ पे math.h लिख सकते हैं, college.h लिख सकते हैं, हमें अभी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। इंटीजर सब स्ट्रैक इंटीजर इंटीजर, ये है यहाँ पे वेरिएबल, एक्चुअली ये फंक्शन है पर यहाँ विद आर्ग्यूमेंट, तो यहाँ पे लिखा है फंक्शन सब फंक्शन। इसके बाद है यहाँ पे वेरिएबल, कितने वेरिएबल है, 3। प्रिंट एफ फर्स्ट वैल्यू डिस्प्ले करने के लिए, स्कैन एफ उसकी डिमांड करने के लिए, वापस सेकंड वैल्यू, और यहाँ पे डिफरेंस करते हैं फंक्शन का, ये मैं आपको अभी नहीं समझाऊंगा। और ये जो है ना नीचे बॉटम साइड लिखा हुआ, ये है यूजर डिफाइंड फंक्शन। आई नो वेरिएबल, आप ऑनली फॉर आपको लग रहा है सर क्या समझ रहे हैं, कुछ क्लैरिफाई नहीं हो रहा है, डोंट वरी, आई नो वेरिएबल इसी लैंग्वेज है, थोड़ा सा स्टार्टिंग में आपको हार्ड लगेगा क्योंकि ये नया कंसेप्ट हम स्टडी कर रहे हैं, न्यू लैंग्वेज जैसे स्टार्टिंग एचटीएमएल भी आपको ऐसे ही, हम अभी ओनली फॉर सी लैंग्वेज के रूल्स लर्न कर रहे हैं, सी लैंग्वेज नहीं लर्न कर रहे हैं। और ये प्रोग्राम में जो आपको लिखने के लिए दे रहा हूँ उसका मेन रीजन क्या है, इसकी सिंटैक्स, जैसे एचटीएमएल स्टार्ट एचटीएमएल और कैसे आपके माइंड में सेट हो गया है, सी लैंग्वेज के सिंटैक्स भी आपके माइंड में सेट करने के लिए ये इम्पोर्टेंट है। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर क्लैरिफाई कर रहे हैं, कैरेक्टर सेट, कैरेक्टर सेट के अंदर क्या होता है, कैरेक्टर सेट के टोटल कितने पार्ट है, 4, कौन सा, लेटर, डिजिट, वाइट स्पेस एंड स्पेशल कैरेक्टर। लेटर मीन्स व्हाट, व्हाट इज अ लेटर, में दो टाइप के हैं, कैपिटल A to Z एंड स्मॉल A to Z। डिजिट मीन्स व्हाट, 0 to 9। वाइट स्पेस कितने, 5, ब्लैंक स्पेस, फ्रॉम फील, हॉरिजॉन्टल टैब, न्यू लाइन एंड वर्टिकल टैब, टोटल कितना है, 5 टैब है। ओके, इसको बोला जाता है वाइट स्पेस, जहाँ कर्सर मूव होगा वहाँ कैरेक्टर डिस्प्ले नहीं होगा। जैसे एंटर करते हो तो एंटर करने से क्या होता है, कर्सर मूव हुआ, कैरेक्टर डिस्प्ले नहीं हुआ। तो आपको एग्जाम में पूछा गया कैरेक्टर सेट कितने हैं, टोटल 4, पिच, मीटर, डिजिट, वाइट स्पेस एंड स्पेशल कैरेक्टर। लेटर के अंदर क्या आता है, कैपिटल A to Z एंड स्मॉल A to Z। डिजिट के अंदर 0 to 9, वाइट स्पेस के अंदर वाइट स्पेस के अंदर 5, कौन से ब्लैंक स्पेस, फॉर्म फील, हॉरिजॉन्टल टैब, न्यू लाइन, वर्टिकल टैब। आपको इतना पॉइंट्स आपको समझ में आ रहा है, इसके बाद नेक्स्ट स्पेशल कैरेक्टर एक बार रीड करो, तो ये स्पेशल कैरेक्टर मैं थोड़ा सा स्लैश स्लैश करते हैं, इसका स्क्रीनशॉट भी लेना, कौन सा है रीड करो तो एक बार, क्या बोला जाता है उसको फर्स्ट वाले को, एम्परसेंड, सेकंड एपोस्ट्रोफी, थर्ड एस्ट्रिक, फोर्थ एट द रेट, फिफ्थ बैकवर्ड स्लैश, सिक्स्थ ब्रेस ब्रैकेट लेफ्ट राइट, सेवेंथ ब्रैकेट लेफ्ट राइट, 8th कैरेट, 9th कोलन, नहीं आ रहा है इसके लिए, कोमा, डॉलर, अरे आपको वॉइस नहीं आ रहा है, क्यों ऐसा हो रहा है, बोलो तो, पता नहीं सर, ओके मैं आपको समझा देता हूँ, यहाँ पे एम पर्सन अपोस्ट्रोफी स्टिक साइन एट द रेट, देखो यहाँ स्लैश है, इस स्लैश को क्या बोला जाता है,
यस आपका वॉइस नहीं आ रहा है, नो वेरी वेल, कुछ टेक्निकल इश्यू है, बट डोंट वरी, हम यहाँ पे क्लैरिफाई कर रहे हैं। स्क्वायर ब्रैकेट देखो, ये इसको बोलते हैं स्क्वायर ब्रैकेट और इसको बोला जाता है कर्ली ब्रैकेट। नहीं, इसके लिए आपको ध्यान रखना है इंग्लिश, इसको बोलते हैं कैरेट, क्या बोलते कैरेट, कॉलन, कॉमा, डॉलर साइन, इक्वल टू, एक्सक्लेमेशन, फॉरवर्ड, ये दोनों स्लैश के अंदर ध्यान रखना है, बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड, ये दोनों ब्रैकेट के अंदर भी ध्यान रखना है, जैसे सेम कॉलन एंड सेमी कॉलन, मिक्स नहीं होना चाहिए, लेस देन एंड ग्रेटर देन, हैश टैग, इसको हैश साइन भी बोला जाता है, माइनस साइन को हम ब्रैकेट, ये जो सर्कल ब्रैकेट है ना उसको पैरेंथेसिस बोला जाता है, बी केयरफुल, परसेंटेज है, फुल स्टॉप को पीरियड बोला जाता है यहाँ पे, प्लस एडिशन के लिए प्लस है, क्वेश्चन मार्क्स है, डबल कोट के कोटेशन मार्क्स है, डायल सिंबल, अंडरस्कोर एंड वर्टिकल, उसको बोलते हैं पाइप साइन, क्या बोला जाता है, पाइप साइन। तो यहाँ पे ये पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, ओके। तो ये हो उसका मेन यूज, आई होप सो ये पॉइंट आपको समझ में आ रहा है, इसके अंदर कोई कंफ्यूजन नहीं है, इसका भी स्क्रीन शॉट लेके एक बार वन टाइम रीड कर लेना है, ये आपका होमवर्क, ये प्रोग्राम मैंने लिखने के लिए दे रहा हूँ और ये प्लस ये काम आप ही को आप इन्फॉर्म कर दीजिएगा, और ये पूरा वीडियो भी मैं उसको सेंड कर दूँगा। इसके बाद यहाँ पे जो स्टार्ट होने वाला है वो सी वर्ड है, सी वर्ड मीन्स वर्ड पूरा टोकन है, देखो यहाँ पे क्लैरिफाई किया, सी वर्ड इन द सी नॉन एज अ टोकन ऑफ द सी, तो सी वर्ड को क्या बोला जाता है, टोकन, क्या क्या है, की वर्ड है, आइडेंटिफायर है, कॉन्स्टेंट है, ऑपरेटर है, स्ट्रिंग है, स्पेशल करेक्टर है, स्पेशल करेक्टर अभी जस्ट हमने रीड किया, अभी जो था वो कौन सा था, स्पेशल करेक्टर था, जितने भी की वर्ड में एक्स्ट्रा सिंबल है वो क्या बोला जाता है, स्पेशल कैरेक्टर। यहाँ तक क्लियर है आपको, अभी तक मैं हमने जो स्टडी किया इसमें कोई कंफ्यूजन हो तो बोलिए प्लीज, हम लोग चैट के अंदर आप इन्फॉर्म कर सकते हो। ये सब का मैं वापस वीडियो बना के भी आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, इसे आप कोई इन फ्यूचर कभी भी इसको रिवाइज करना पड़े रिवाइज कर सकते हो। इसके बाद एक की वर्ड, कीवर्ड सी लैंग्वेज में 32 है, कीवर्ड का मीनिंग क्या होता है, रिजर्व वर्ड, ऐसा बोल दूँ आपके फैमिली में आपका नाम एक बार रैली रख दिया तो पूरी फैमिली में वापस रैली नाम नहीं रखेंगे, अदरवाइज क्या होगा, कोई फैमिली फंक्शन होगा तो बोलोगे रैली, तो एक शब्द 2% खड़े हो जाएंगे, यस ये तो मिक्स होता है, कन्फ्यूज होता है। सेम सी लैंग्वेज के अंदर ऐसे टोटल कितने वर्ड कीवर्ड है, 32, रीड करना होगा, फोटो, ब्रेक, केस, चेयर, कॉन्स्टेंट, कंटिन्यू, डिफॉल्ट, डू, ओके, डबल, एल्स, इनम, एक्सटेंड, फॉर, फॉर, गो एंड इफ, सेम इंटीजर, लॉन्ग, रजिस्टर, रिटर्न, शॉर्ट, साइन, साइज ऑफ, स्टैटिक, स्ट्रक्चर, स्पीच, यूनियन, साइन, वॉइड, वॉलेटाइल, एलोबाइल, तो मतलब कितने कीवर्ड है, देखो फोर एग्जाम में पूछा कीवर्ड मीन्स व्हाट, ऐसा होगा मैंने कि तो सी लैंग्वेज के अंदर कितने कीवर्ड होते हैं, 32 मैंने कौन से कौन से, मैं आपको आप लोगों से आपको रीड क्यों करवा रहा हूँ, उसका रीज़न है इसमें से एमसीक्यू पूछे जाते हैं कौन सा है कौन सा नहीं, और कीवर्ड है ना तो सब स्मॉल में लिखा होता है, ओके। तो ये हुआ यहाँ तक, इसके बाद आइडेंटिफायर नाम करेंगे और वेरिएबल, आई होप सो आज तक यहाँ तक एंड कर देते हैं, ये अभी नहीं है, वापस कंटिन्यू नेक्स्ट लेक्चर में, यहाँ तक का प्रैक्टिकल और थियरी, और जो मैंने आपको होमवर्क दिया है दो प्रोग्राम तीन प्रोग्राम को आपको नेक्स्ट लेक्चर के अंदर प्रैक्टिकल के थ्रू और वर्कशॉप के अंदर समझना बाकी रहेगा, जस्ट उसको इतना रिमाइंडर करवा दीजिएगा। आज के लेक्चर में कोई कन्फ्यूजन है
तो फिर जाएगा, तो भी चलो कि कम।